नमस्ते फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ गणपति जी के मोदक। और ये मैंने कढ़ाई में घी रख दिया है और लिया है राजधानी की सूजी। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कटोरी सूजी, 1/2 कप भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ना रहे। और फिर मैं इसको अच्छे से भूनते हुए इसमें डालूंगी। 1 गिलास मैंने लिया है दूध, कच्चा दूध नहीं है, इसको जो आपके फ्रिज में रखा हुआ दूध है, नॉर्मल दूध, उबला हुआ, ठंडा हुआ, तो वो दूध मैं इसमें धीरे धीरे करके डाल रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बधे। और खूब अच्छे से चलाते रहिए और भूनते रहिए और आपके मोदक बहुत ही अच्छे बनेंगे। गणपति जी का दिन है तो अपने गणपति जी को अपने हाथों से मोदक बना के उनका भोग लगाइए, तो उससे गणपति जी हमारे बहुत खुश होंगे, गजानन विघ्नहर्ता हमारे। तो ये देखिए कितने अच्छे से भून गया है और कढ़ाई से भी इसका जो घी है बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से। तो मैं तो जब भी गणपति उत्सव होता है तो घर पे ही अपने मोदक बनाती हूँ। देखिए इसको एक बाउल में निकाल दीजिए थाली में और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए इसे, और फिर इसमें डाल लिए। मैंने चीनी नहीं थी ना तो मैंने चीनी पीस ली है, मेरे पास बूरा नहीं था चीनी का, तो मैंने पीस के इसमें डाल दिया है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे इसको और खूब अच्छे से फिर इसको गूँध लेंगे हल्के हाथों से। हाथों में घी लगा के इसको गूंथ लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक डो की फॉर्म में तैयार कर लेंगे इसको। देखिए और हल्के हाथों से कीजिएगा और ये देखिए बहुत अच्छा से डो आपका तैयार हो जाएगा। देखिए ये डो तैयार हो गया है, मैंने मसल की इसको बना लिया। अपने गणपति जी के लिए मोदक की तैयारियां कर ली है। अभी मैंने कढ़ाई ले ली है और हल्की आंच में मैंने कढ़ाई रख ली है। ये है नारियल का बुरादा और ये मैंने काटे हैं मेवे, काजू, बादाम, किशमिश को काट के बारीक काट के रख लिया है। और अब ये है मैंने कद्दूकस करके गुड़ रख लिया है। और अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी और इसमें बादाम डाल के काजू डाल के इसको भून लेंगे, हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे इसको। नारियल मैंने कद्दूकस करके रखा है उसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि उसमें से अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आए। अब डालते हैं कद्दूकस किया हुआ गुड़ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ ना धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर ताकि खुशबू अच्छी आए। और ये तैयार हो गया है, इसको एक प्लेट में निकाल लिया है मैंने। और अब तैयारी करते हैं मोदक बनाने की। इसमें मैंने किशमिश डाल दिए फिर ऊपर से, भूनते समय नहीं डाले। और ये डो
रेडी है। और इसके चलिए बनाते हैं डोसे। अब छोटी छोटी लोइयां बना के और हल्का सा प्रेस करके इसमें हम बीच में जो हमने इसकी फिलिंग बनाई है ना, उसको मैं थोड़ा सा लेके हाथ से इसमें भर लूँगी और इसको फिर मोदक के शेप का आकार दे देंगे हम इसको मोदक का। ये देखिए लग रहे ना बिल्कुल मोदक, मेरे गणपति जी के लिए मोदक तैयार है। देखिए ऐसे करके सारे मोदक तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मेरे सारे मोदक बन के तैयार हैं गणपति जी के लिए। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय 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 फ्रेंड्स, थैंक यू।